आज की मांग 153 स्वामी विवेकानंद जी का यह चिंतन है, सुप्रसिद्ध है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। कैसा बनना है वो सोचने में ही ख्याल रखो। हमारे गुरुजी बार बार कहा करते हैं, जैसा चिंतन वैसा जीवन बन जाएगा। हम हर रोज जैसे ही चिंतन करते रहते हैं वैसे ही हमारे विचारों के अनुसार वर्तन बना करते हैं। यदि हम बार बार ऐसा सोचेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हमको ऐसा होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, तो हम एक दिन भयभीत हो जाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसा ही सोचेंगे कि प्रभु जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, इसमें घुटन महसूस करने का कोई मकसद ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हमको डरना नहीं है, हमको सामना करना है, तो हम एक दिन शूरवीर हो जाएंगे, किसी भी परिस्थिति का हम सामना कर लेंगे, क्योंकि हमारा चिंतन ही हमारा जीवन बना देते हैं। चिंतन एक दिन हैबिट क्रिएट करता है और हैबिट हमारा जीवन का एक भाग है, इसलिए सदैव शुभ चिंतन करते रहें। यदि हम ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग परायण रहेंगे तो हमारा जीवन सदैव हकारात्मक सकारात्मक होगा, हम हमारे लिए और सभी के लिए भी सुखदायी साबित होंगे। कोई आदमी ऐसा है, बाहर कोरोना का कहर चल रहा है और घर में बैठा बैठा बहुत घबराहट में आ गया है, तो शायद उसको हार्ट अटैक हो जाएगा या तो वो स्वयं सुसाइड कर लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन उसका चिंतन स्वयं को मार रहा है। यदि हम सब में दोष का ही चिंतन करते रहेंगे कि हम दुर्गुणों का सागर बन जाएंगे, लेकिन सब में शुभ चिंतन करेंगे, सब में सद्गुण ही देखेंगे, सब में भगवान का ही दर्शन करेंगे, सबको मुक्त मानेंगे, तो हम भी एक दिन मुक्त हो जाएंगे। संतरु हरिजन माही मुक्त भाव जेहि उर रखत आधोनि मुक्त हो जाही, ऐसा प्रताप है समझहु को, ऐसा प्रताप है समझहु को। हम जैसा समझेंगे जैसा सोचेंगे वैसा ही बन पाएंगे, क्यों गड़बड़ सोचे कभी नहीं, हम ये बात मानेंगे, हर रोज अच्छा ही सोचेंगे, शुभ चिंतन करते रहेंगे।